नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चैनल जीएसबी बिना एजुकेशन फॉर यू पे। आज हम मध्य प्रदेश स्टेट रजिस्ट्रार का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो है कंसेप्ट ऑफ लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी जिसको बोलते हैं, इसके बारे में कुछ शॉर्ट सा डिस्कशन लाए हैं दोस्तों। ये पार्ट जो 2 है उसमें 4E में कहीं ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी जो होती है वो 22 मेंबर होते हैं उसमें, और इसमें जो लोकसभा से 15 मेंबर रहेंगे, राज्यसभा से 7 मेंबर रहेंगे। तो पब्लिक अकाउंट कमिटी में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेंबर होते हैं। 22 मेंबर, 15 जो हैं वो लोकसभा से हैं, 7 राज्यसभा से हैं, और जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो कौन करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं वो अपने आप में से 22 मेंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है मेंबर वो 1 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और ये जो सबसे पहले बनाई गई थी 1921 में बनाई गई थी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है ये 22 मेंबर की होती है, इसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से होते हैं। मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अगेंस्ट देमसेल्फ बाय ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय ए ऑफ सिंगल ट्रांसफरल वोट, मींस एक प्रोपोर्शनल करके एक वोट का डिसाइड होता है। सो ऑल द पार्टीज गेट ड्यू देयर रिप्रेजेंटेशन इन इट, इससे कि सभी पार्टियों के जितना भी सदस्य हैं उसके हिसाब से प्रोपोर्शन करके एक वोट तैयार किया जाता है, जिससे कि सभी पार्टियों का पार्टिसिपेशन उसमें निहित हो जाए। और ये 1 ईयर के लिए बनती है, और इसका जो जो होता है मिनिस्टर जितने होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते, केवल जो मेंबर्स हैं वो ही भाग ले सकते हैं। और इसको 1921 में सबसे पहले बनाया गया था, और 1919 में एक एक्ट इसको पारित करके फिर 1921 में पहले सबसे पहले इसको बनाया गया। अब जो चेयरपर्सन होता है पीएसी का, वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसी के मेंबर्स में से। तो ये जो है 1960 तक क्या होता था कि जो रूलिंग पार्टी है, सपोज जैसे अभी बीजेपी एक रूलिंग पार्टी है, तो ये 1960 तक क्या होता था कि ये बीजेपी से ही रहेगा। बट अब क्या हो गया है कि जो अपोजिशन लीडर हैं उनमें से एक को ये बनाया जाता है। तो अभी जो जो वर्तमान हमारा जो लोकसभा है उसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो पीएसी है वर्तमान पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के हैं उनको इस 21 मेंबरीय जो है मेंबर का जो पीएसी है उसका वो बनाया है, चेयरमैन बनाया गया है। इससे पहले केवी थॉमस थे, ये केरला के थे। मल्लिका अर्जुन इज प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ पीएसी। इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है कि एग्जामिन द 3 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ कैग, मीन्स जो जो हमारा कॉम्पिटेटिव अटॉर्नी जनरल है, कॉम्पिटेटिव अटॉर्नी जनरल्स जो ये रिपोर्ट बनाता है ऑडिट करके यूनिवर्सिटी का, एक तो प्रेसिडेंट को देती है, ठीक है, एक फाइनेंस कमेटी को जाती है, एक पब्लिक अंडरटेकिंग की, ये 3 रिपोर्ट को हम एक बार चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ठीक है। और जो एग्जामिन द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द फाइनेंस अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड एनी अदर अकाउंट लेड फॉर द लोकसभा, लोकसभा का जो भी अकाउंट है आने से पहले लोकसभा में के समक्ष प्रस्तुत होने से पहले जो अकाउंट है उनका भी ये चेकिंग करती है, और जो पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन से उनके भी अकाउंट को ये चेक करती है। तो इसका जो है मेन है जो ऑडिट से रिलेटेड वर्क है, जितने भी अकाउंट है उनको ये चेक करती है। और जो कैग और पैग है इन दोनों में, जो कंप्यूटर ऑडिट जनरल है और पैग जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी है, इनमें कुछ जैसे रिलेशन जो है कि ये जो कैग है इसको एक तरीके से असिस्ट करती है इसके कामों में, है ना। तो जो जितनी भी अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव फील्ड ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की है वो उसको सिक्योर करती है। तो एक तरीके से ये बोला जाता है कि जो कैग का जो फ्रेंड फॉलोअर और गाइड होता है वो पैग होता है, जो कैग होता है, कैग जो है उसको फ्रेंड फॉलोअर एंड गाइड ऑफ पैग बोला जाता है। पब्लिक अकाउंटेबल कमेटी की
फ्रेंड सर्वर एंड गाइड किसको बोला जाता है, कैक को बोला जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब इसकी एक एस्टिमेट कमिटी होती है हमारी, तो उसके साथ क्या समानता है, क्या समानता है पैक की, तो सबसे पहले कि बोथ आर द फाइनेंशियल कमिटी एंड बोथ आर स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट। जो एस्टिमेट कमिटी और पैक कमिटी है, जो पब्लिक अकाउंट कमिटी है, ये दोनों फाइनेंशियल कमिटी, फाइनेंस से जुड़ी हुई कमिटी हैं और ये पार्लियामेंट में हैं। बोथ फाइंड देयर ओरिजिन इन ब्रिटिश एरा, दोनों जो चालू हुई थी वो ब्रिटिश एरा में चालू हो गई थी। और मेंबर ऑफ बोथ आर इलेक्टेड एंड चेयरपर्सन ऑफ बोथ आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। जो मेंबर से वो इलेक्टेड होते हैं और चेयरपर्सन नॉमिनेटेड होता है बाय द स्पीकर। मिनिस्टर दोनों के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो दीज आर द सिमिलरिटी बिटवीन पैग एंड एस्टिमेट कमिटी। इन चारों को अच्छे से आप याद देख कर लीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन आ सकता है। दोनों फाइनेंशियल कमिटी हैं, दोनों स्टैंडिंग कमिटी हैं पार्लियामेंट की, दोनों का एरा ब्रिटिश है ओरिजिन का, दोनों का जो चेयरमैन है इट इज नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, और जो पर्सन हैं दे आर इलेक्टेड थ्रू द इलेक्शन। देन मिनिस्टर्स कैन नॉट बी मेंबर ऑफ चेयरमैन ऑफ एनी ऑफ देम। नाउ द डिफरेंस डिफरेंस इज दैट कि जो वाइल में है 22 मेंबर, तो एग्जीक्यूटिव जो एस्टिमेट कमेटी है उसमें है 30 मेंबर। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि इसके मेंबर्स की संख्या एक में 22 एक में 30 है। ठीक है, अब जो पैग है उसके मेंबर दोनों हाउस से, मीन्स इसके राज्यसभा लोकसभा से दोनों हाउस आते हैं, जबकि जो एस्टिमेट कमेटी है केवल लोकसभा से सदस्य आते हैं, तो एक अंतर है। और जो पैग का चेयरमैन है वो अपोजिशन से होता है, और जो एस्टिमेट कमेटी है वो हमेशा रूलिंग पार्टी से चेयरमैन होता है। सो दीज आर द नो, ये जो इसके हैं दोनों के बीच में समानताएं और असमानताएं हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो पैग है एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। थैंक यू।